वेलकम टू डिफेंस क्लासेस दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अपना आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट टू करेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट टू करेंगे। अभी पार्ट वन आपका जो हुआ था 1 से 50 क्वेश्चन तक था, और पार्ट टू आपका 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक का होगा। और ये जो 100 क्वेश्चन है पार्ट वन और पार्ट टू, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हर किसी न किसी एग्जाम में जो भी हुआ आपका उसमें पूछे गए हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 51 नंबर हमारा आता है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था, मतलब इन घटनाओं में से सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी, जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करना है। पहले में हमको समाचार पत्र दिया है, सेकंड में हमारा संपादक दिया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से पहले पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसमें हमको दिया हुआ है हिंदू, हिंदू पत्रिका के लेखक कौन थे, हिंदू पत्रिका के लेखक कौन थे। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सी सुब्रमण्यम अय्यर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना बी नंबर, सुधारक पत्र समाचार पत्र के लेखक कौन थे, यानी संपादक कौन थे, जीके गोखले जी। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वॉयस ऑफ इंडिया के कौन थे, जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। और बंगाली के कौन थे, एन एस बनर्जी। ठीक है, एन एस बनर्जी। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे स्टार्ट कर बता दें, जब भी बंगाली पत्रिका की बात आएगी, ठीक है, तो बंगाल से आप लोग याद रखिएगा, बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी जी। ठीक है, तो वो कहाँ की हैं, बंगाल की है, तो आप बनर्जी से रिलेट कर लीजिएगा बंगाली पत्रिका को। ठीक है, बंगाली पत्रिका को रिलेट कर लीजिएगा, तो आपको कहीं पर अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता तो आपके लिए हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। 53 नंबर, निम्न में से किसके अंतर्गत, ठीक है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। पत्रकार के कर्तव्य पर निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। ठीक है, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। मैडम भाका जी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी इस स्टेटमेंट को देखिए, इसमें से कौन सा राइट है उसको बताना है हमको। ठीक है, देखिए इसमें मैडम काभा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, मैडम कामा के माता पिता फारसी थे। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, टू और थ्री हमारा राइट है। तो ये हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। 56 नंबर में भारत स्वतंत्रता का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारतीय स्वतंत्रता के बाद यानी भारतीय स्वतंत्रता के समय भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका क्या नाम है। ठीक है, उनका क्या नाम है। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं उसका क्या नाम था, राइट ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। तो आप बताइए इसमें किसको नहीं पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बहुत सिंपल है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक कौन थे। ठीक है, BHU के संस्थापक कौन थे, जो इसका हमारे करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक के किसने लिखी, जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा था इस पुस्तक को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। निम्न, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है, नीचे कर देते हैं इसको। निम्न में से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। दोस्तों इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सर सैयद अहमद खान जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार एकाधिकार को उत्साहित कर दिया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। ठीक है, केवल टू, मतलब ऑप्शन टू हमारा राइट है, मतलब जो स्टेटमेंट टू हमको दिया वही राइट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। निम्नलिखित विद्रोहों में से
किसको बंकिम चंद चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मंड में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए, उन्हीं को उठाएगा। आपको देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि किसी न किसी एग्जाम में, चाहे आपका यूपीएससी हो गया, चाहे आपका आरआरबी हो गया, किसी न किसी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो जो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद जी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 64 नंबर, जिसमें फिर से एक समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाले का नाम दिया गया। ठीक है, इसको हम लोग मिला लेते हैं कौन सा हमारा राइट होगा। ठीक है, और हम लोग इसको अच्छे से देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमको इसमें दिया हुआ है बॉम्बे कार्निकल, जिसको लिखा था फिरोज शाह मेहता जी ने। ठीक है, फिरोज शाह मेहता जी ने। और अगर हम बात कर लेते हैं कॉमन बिल को, इसको लिखा था एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अपना लीडर, लीडर को लिखा था मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इसमें ऑप्शन रॉन्ग दे रखा है। हम लोग फिर से इसको चेक कर लेते हैं अच्छे से। देखिए, हमको दिया हुआ है बॉम्बे कार्निकल। ठीक है, बॉम्बे कार्निकल जो हमारे थे वो लेखक थे फिरोज शाह मेहता जी के। ठीक है, फिरोज शाह मेहता जी के। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉमनवेल्थ। ठीक है, कॉमनवेल्थ की जो लेखक थी एनी बेसेंट थी। अब फिर लीडर के देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा लीडर के लेखक थे वो हमारा मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, और सर्च लाइट के लेखक थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, उसमें थोड़ा सा एक ही में मिल जा रहा था, इसलिए हमने तो उसको पीछे किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें हमको देखना है कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें भारतीय प्रसिद्ध भारतीय लेखक और उनकी भाषा को दिया गया है। ठीक है, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, राजा राव तेलुगु के लेखक नहीं थे। ठीक है, बाकी सब राइट है। ठीक है, हमारा ऑप्शन यही गलत है। ठीक है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, ये वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 66 नंबर, हमको दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब इसमें से जो कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो हम लोग इसको अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए। इसको हम लोग देखते हैं, वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधुनिक एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। भारतीय दंड संहिता IPC वर्ष 1860 में लागू की गई। अब इन तीनों स्टेटमेंट को हम लोग अच्छे से देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मतलब 2 और 3 हमारा राइट है, ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा और खासकर UPSC में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन और आपके RRB में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ठीक है क्या हुआ था, मतलब क्या इसमें ऑप्शन राइट होगा। प्रांतीय स्वतंत्रता का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। दोस्तों, जिसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, मतलब तीनों हमारे ऑप्शन राइट है, मतलब तीनों चीज़ें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 61 नंबर, देखो हमको इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें हम लोग अच्छे से देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डायटिक ऑफ लैम्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, अल्बर्ट विल एक्ट रिफन। इसमें हम लोग अपना देख लेते हैं, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वर्नाकुलर एक्ट, ये कर्जन के टाइम पे नहीं था। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग है, ये ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं, दिया हुआ 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं इसमें से कौन सा हमारा राइट है या रॉन्ग है। गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन समाप्ति, गवर्नरों को विधायकी विधाओं में क्रियाओं में निषेधाधिकार, बीटों की सत्ता स्वयं द्वारा विधि बनाना, सांप्रदायिक पद्धति के नियम की समाप्ति। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2 हमारा राइट है। ठीक है, 1 और 2 हमारा राइट है, 3rd हमारा रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 70 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, मतलब ये सब जो दिए इसमें से सभी रॉन्ग है लेकिन एक इसमें से सही है। ठीक है, जो चारों ऑप्शन है इसमें से ओनली हमारा एक सही है, उसको हम लोग देख लेते हैं हमारा कौन सा सही है। ठीक है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डी नंबर, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। दोस्तों इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हमारा जो एक सही है, बाकी सभी रॉन्ग है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना, माउंट चेप्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, किसकी रिपोर्ट आधार बनी, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार बनी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए, ठीक है, इसमें देखना है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन, इसमें हम लोग देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सही होगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन है ये चारों सही होगा, ठीक है, चारों है, ठीक है, ये सही कलाम ने कौन, मतलब एक दूसरे के बाद ही आए हैं, इसमें चारों राइट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं 73 नंबर, कथन है और कथन भी, हम बोले कथन ए और आर दिया हुआ हमको। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली अल अब्दुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। अब कथन भी देखते हैं, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। ए और आर दोनों सही है, ठीक है, ये आपका खासकर यूपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ए और आर दोनों सही तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड बी ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये सही है परंतु आर गलत है, ये गलत है परंतु आर सही है। दोस्तों जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सही है लेकिन आर हमारा जो है रॉन्ग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना, हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 74 नंबर, ठीक है, 74 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभ्यर्थी शिक्षा का लक्ष्य था, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना 75 नंबर, 1942 के कृषि मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था, इसका इसमें हमारा देखना है कौन सा एक महत्वपूर्ण पहलू था, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत की संघ स्थापना करना और उसे डोमिनियन में पद प्रदान करना, ठीक है, डोमिनियन का पद प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 76 नंबर, 1935 के भारतीय अधिनियम इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों का असली यानी अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी। दोस्तों इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा 76 का डी ऑप्शन, राष्ट्रवादी नेताओं को साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए रजाओं का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना 77 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया ने के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसे प्राधिकार को बल प्रदान किया। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं सूची एक को सूची टू के साथ मिलान करना है, ठीक है, सूची एक को सूची टू के साथ मिलान करना। दोस्तों इसको हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, देखो इस ऑप्शन में क्या है कि जैसे थोड़ा सा ऑप्शन हमारा कट रहा है, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं चार्टर एक 1813, ठीक है, इसमें हमको दिया हुआ है, तो जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 78 का, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसको हम पहले अच्छे से करते हैं तभी हमको समझ में आए, क्योंकि हमारा ये कट रहा है, ठीक है, इसको जब हम आगे पीछे ले जाने तो पूरा क्वेश्चन हमारा आ नहीं पा रहा है, ठीक है, तो हम इसको कर पाए, चलो हम लोग कोशिश करते हैं इसमें, ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन हमको डाउट लग रहा है। चार्टर्ड एक 1813, ठीक है, इसका जो हुआ था भारत कंपनी अधिनियम के, ठीक है, भारतीय कंपनी अधिनियम के उसमें हुआ था, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट होगा। दोस्तों ये जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इसमें हम लोग आपको बता देते हैं कौन सा कब में हुआ था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑप्शन कट रहा है हमारा। चार्टर्ड एक्ट 1813 ये हमारा जो हुआ था भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था इसके एक्ट इस एक्ट के द्वारा। और नेक्स्ट हमारा जो बी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके इससे क्या हुआ था कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध समिति से पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार के प्रस्तुत करने को कहा गया था। और नेक्स्ट हमारा जो आता है एक्ट आप 1858, इसमें हमारा क्या था, ये हमारा सी वाला ही सामने वाला ही होगा, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। और डी हमारा पिट्स इंडिया एक्ट जो आता 1784 वाला, भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना, ठीक है, इसका हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर
समाप्त हो गया था, ठीक है, कब समाप्त हो गया था। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, मतलब जो कैबिनेट मिशन था जब उसको अस्वीकार कर दिया गया था, उसी के द्वारा हमारा जो है इसमें मतलब चेंज खत्म हो गया था कि अब कुछ चेंजेस होगा। सूची वन को सूची टू के साथ मिलाना है, ठीक है, जिसका हमारा इसको हम लोग मिला लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। हमको दिया हुआ है मैक मोल्ड, ठीक है, मैक मोल्ड जो हमारा था, इसका जो राइट ऑप्शन होगा मैक मोल्ड का, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्नब्लूअर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना लिन लिथगो, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं सी, डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप्स ऑफ चेप्सफोर्ड, आई कार्की, ठीक है, डाई कार्की। नेक्स्ट हमारा जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं 81 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है, कांग्रेस की प्रथम महिला थी, और सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो जेल में थे, ठीक है, जिसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मतलब इसको हम लोग इसमें देख लेते हैं 2 और 4, ठीक है, 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं 82 नंबर, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी, ठीक है, 82 नंबर में हम देखते हैं क्या विशेषता नहीं थी, जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्र सरकार के साथ ही राज्यों में दर्ज शासन, ठीक है, ये इस टाइम पे नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 83, भारत ने ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 84 नंबर, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आशंका थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। दोस्तों जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हेस्टिंग ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 86, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, सूची वन को सूची टू के साथ जो है मिलाना है, ठीक है, इसको हम लोग सूची वन और सूची टू, ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, इसमें देखो हमारा जो निकल के आ रहा, द फर्स्ट ऑफ इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा आएगा 4, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आनंद मठ के कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं लाइफ डिवाइन, इसके जो लेखक थे श्री अरविंद जी, ठीक है श्री अरविंद जी थे। नेक्स्ट हम लोग साधना के लेखक कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा वो राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं लोग 88 नंबर, ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग में एक सही सुमेलित है, मतलब कौन सा एक राइट है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देख लें, इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब एक भी राइट है हमारा और टू भी हमारा राइट है और इसके बाद हमारा थ्री भी राइट है, यानी फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एल्बर्ट विल रिपन के थे और थियोडोर बैक मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, निम्नलिखित का सही कालानुक्रमांक क्या होगा, 89 नंबर हम लोग अपना देखते हैं, इसमें से राइट क्या होगा, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। पहले कौन आया था, मैकाले द मिंट ऑफ एजुकेशन, उसके बाद उड द एजुकेशन डिस्पैच, उसके बाद हमारा क्या था, हंटर रिपोर्ट, उसके बाद फिर हमारा द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 90 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। दोस्तों इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 91 नंबर, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बंगला ने बंगला को देश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, गीत किसने लिखा था। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है, ठीक है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है, इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शिक्षा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 93 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, फैज अहमद फैज ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कमाल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, अल हिलाल, ठीक है, अल हिलाल हमारा जो है राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं 95 नंबर, सूची एक को सूची टू के साथ मिलाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी हमारा, ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। 95 नंबर हमारा जो निकल के आ रहा है, देखो जो हमारा बंकिम चंद चटर्जी जी हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, देवी मधुरानी कृति के लेखक। अब नेक्स्ट हम लोग अपना देखते हैं दीन बंधु मित्र, ठीक है, दीन बंधु मित्र जो हमारा बी वाले हैं, इसका जो है नील दर्पण होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी का क्या हो जाएगा, प्रेमचंद जी का हो जाएगा हमारा ए, शतरंज के खिलाड़ी, तो यानी हमारा चौथा छूट जाएगा क्योंकि हमको तीन ही ऑप्शन दिया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 96 नंबर, गोल्डन थ्रेहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है, इसके रचयिता निम्नलिखित में से कौन से, जिसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 98 नंबर, निम्नलिखित में से प्रथम तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता मद्रास मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन 98 का ए होगा, ठीक है, 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, सूची एक को सूची टू के साथ मिलाना है, ठीक है, सूची एक को सूची टू के साथ मिलाना है, जिसका हमारा देखते हैं हम लोग क्या होगा, ठीक है। पहले तो हमारा क्या है, प्रजामित्र, प्रजामित्र हमारा जो निकल के आता है वो हमारा हिंदी होगा, ठीक है, पहले का तीसरा होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नायक, नायक का जो होगा चौथा होगा, ठीक है, नायक का क्या होगा चौथा होगा। उसके बाद भरत मित्र की बात करते हैं, ठीक है, भरत मित्र का क्या होगा हमारा दूसरा होगा, ठीक है, और राष्ट्र मित्र का हमारा बंगला होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा निकल के आ रहा है, डी चौथा सी दूसरा, नहीं हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा निकल के आ रहा ए, ठीक है, सॉरी 90 ऑप्शन नंबर हमारा सी निकल के आ रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ा ऑप्शन मिलाना होता है तो दोस्तों थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा होगा, तो ये इसको अच्छे से करना होता मिला के, इसलिए इसमें कोई गलती ना होता, ऑप्शन हमारा सी राइट है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहनाएँ धारणा अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला, इस पुस्तक का संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला, ठीक है, इस पुस्तक का संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। ये चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति का जीवन उसके लिए कल्याण में नियुक्त है, मतलब व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है, ये उनका सबसे प्रमुख और बढ़िया वाक्य था, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि बहुत मेहनत से बहुत ही ज़्यादा मतलब खोज के बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद एक क्वेश्चन को आप लोगों के लिए निकाला जा रहा है, और आपको जनरल अवेयरनेस के पार्ट में प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आपके RRB और NTPC और जो भी अन्य एग्जाम आपके होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएँ, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फैलाएँ। दोस्तों इसका आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।